दोस्तों नमस्कार। टीवी और इंडिया के विशेष कार्यक्रम मंथन में आपका बहुत मंथन में हमारी कोशिश ये रहती है कि उन ज्वलंत मुद्दों पर मंथन किया जाए, चर्चा किया जाए एक्सपर्ट के साथ जो लोगों को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य के कई महानगर पालिकाओं में चुनाव हो रहा है, खासकर मैं अगर थाने जिले की बात करूँ तो थाने और रायगढ़ में महानगर पालिका का जो चुनाव है वो नवी मुंबई और पनवेल के आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। और इसी पृष्ठभूमि में एक बड़ा मुद्दा उभर कर जो सामने आया है वो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीबा पाटिल साहब का नाम देने को लेकर। 4 महीने पहले इसके लिए आंदोलन हुआ था लेकिन बीच में किन्हीं कारणों से इसको स्थगित कर दिया गया था। हम आज एक्सपर्ट जो हमारे खास तौर पर हमने आमंत्रित किया है, वरिष्ठ पत्रकार राजीव मोहन मिश्रा जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के मंथन कार्यक्रम की शुरुआत मैं ये चाहता हूँ कि इसी से करें कि जो आने वाले समय में नवी मुंबई महानगर पालिका और पनवेल महानगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, खासकर नवी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव। ऐसा कहा जा रहा था कि फरवरी मार्च में चुनाव होंगे लेकिन जिस तरह की तकनीकी परिस्थितियां बन रही हैं, प्रभाग रचना, नए सिरे से जो वोटर्स रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उसके बाद 11 और बढ़ने वाले हैं जो उसमें वार्ड, इन सब चीज़ों को लेकर लग रहा है कि चुनाव लंबे समय तक खींचेगा। क्या आपको नज़र आ रहा है कि नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव वाकई कब तक होगा? देखिए, नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में ऐसे तो आप अगर देखने जाइए तो पहले से ही काफ़ी डिले हो चुका है। पिछले साल ही मई महीने में चुनाव होना था इसका, जो आज आप देख रहे हैं कि करीब 1.5 साल से ज़्यादा हो गए ये चुनाव लंबित पड़ा है। अभी एक नया, एक अगर आप देखने जाएंगे तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो स्थानीय निकायों के चुनाव में ओबीसी का आरक्षण पर स्टे लगा दिया। हाँ। आप कहें तो उसको एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था लेकिन उसको ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है महाराष्ट्र सरकार ने फिर से लाने का प्रयास किया था और उसे भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया है। तो अब जब ओबीसी के जो इतने भी सीट थे, आरक्षित सीट, उस पर तो सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव कराने से इनकार कर दिया है और उसको रोक दिया है। तो वैसी स्थिति में अब सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इस चक्कर में लगी है कि किसी भी तरीके से अब सारे चुनाव को तब तक टाल दिया जाए जब तक कि ओबीसी पर फैसला ना हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो शायद हो सकता है कि अभी और भी आपको इसमें विलंब दिखाई पड़े। प्लस जो कुछ रहा कि वार्ड संरचना वगैरह की बात, तो ये एक बार पहले फाइनल हो चुका था नवी मुंबई में, सब आरक्षित सीट भी डिक्लेयर हो चुके थे, वार्ड संरचना भी सारी बन चुकी थी। लेकिन अब चूंकि उस बीच में थोड़ा पॉपुलेशन वगैरह भी राइज किया है तो उसको लेकर करके ऐसा महसूस किया जा रहा है कि यहाँ पर वार्ड की जो संख्या है वो बढ़ेगी और बढ़ने के चांसेस भी हैं। चुनाव आयोग ने इससे इशारा भी दिया है। तो हमको लगता है कि वो नए जो वार्ड संख्या होगी वो करीब 121-120 के आसपास होगी और उस पर ही सारा चीज निर्भर करता है। लेकिन सबसे बड़ा जो अभी अड़ंगा है वो ओबीसी वाला अड़ंगा है। तो आप जब कह रहे हैं कि अभी खुद सुप्रीम कोर्ट ने अभी हालिया भी अभी फैसले में, आजकल के फैसले में भी उसने इंडिकेट किया है कि भाई आप ओबीसी छोड़ दो, बाकी सारे चुनाव कराओ, लेकिन हालांकि राज्य सरकार तैयार नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जनाधार और वोटर से जुड़े रहने का मामला है। जैसे आप खुद कह रहे हैं कि नवी मुंबई महानगर पालिका की सीट बढ़ने वाली है, जनगणना हुई नहीं लॉकडाउन के कारण, और ऐसे में सही आबादी की जो गणना है वो कैसे होगी और किस आधार पर ये रिजर्वेशन तय होगा, 11 सीटें कैसे बढ़ेंगे, इसका आधार एक्चुअली क्या होता है, आपके ऑब्जर्वेशन में क्या आया है? नहीं, देखिए क्या होता है कि कोई भी वार्ड संरचना जो की जाती है वो पॉपुलेशन और क्षेत्रफल के हिसाब से की जाती है। तो उस हिसाब से कहीं पर भी अब अगर आप जाएंगे तो आजकल आबादी हर जगह बढ़ रही है, तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसे वैसे लोकसभा से लेकर विधानसभा से लेकर के स्थानीय निकाय तक सबकी सीटें बढ़ती हैं। तो उस हिसाब से ही नवी मुंबई महानगर पालिका में भी, अभी नवी मुंबई महानगर पालिका जब शुरू हुई थी तब से लेके आज तक अगर आप देखेंगे तो कम से कम मेरी नजर में वो 70 सीट से शुरू हुई थी और आज 111 सीट पहुंच चुके हैं। तो उसी में एक और, एक मान सकते हैं आप कि 5 साल के बाद एक और रिव्यूज आ सकता है जिसमें 10-11 सीटें और बढ़ सकती हैं। तो ये तो बढ़ते हुए पॉपुलेशन का कारण है। और रह गई बात की ओबीसी वाली बात, तो मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि आप कोई भी आरक्षण व्यवस्था लागू करें, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो नॉट मोर देन 50%, 50% से ज्यादा वो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा मामला है जिसको कि राज्य सरकार भी इतना जल्दी उसको सॉल्व कर लेगी या उसका समस्या का समाधान निकालेगी, ये संभव नहीं है। और रिजर्वेशन फिक्स करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस उनको बताया है राज्य सरकार को, वो भी बहुत टफ है, वो इतनी जल्दी आसानी से होने वाला नहीं है। तो अब राज्य सरकार को या बाकी पार्टियों को ये फैसला लेना है
कि क्या बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव करा लें और जो ओबीसी के सीट्स हैं उसको ओपन सीट्स में रख कर करके हम एक चुनाव करा लें और उसमें ओबीसी के प्रतिनिधि भी भाग लें और ओपन वाले भी भाग लें, ऐसा कर सकते हैं वो। लेकिन क्या है कि ओबीसी एक बहुत बड़ा वर्ग है और चुनाव का एक बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं वोटर्स है, तो हमको लगता है कि ओबीसी को खुश करने की नियत से शायद चुनाव को और कुछ टाला जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो जैसे चुनाव की सुगबुगाहट हो गई है तो बहुत सारे कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, बहुत सारे नए नए आंदोलनों की शुरुआत हो गई है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट आंदोलन जो 4 महीने तक ठप हो गया था फिर से नए सिरे से उभरने की तैयारी में है। आप इसे किस परिदृश्य में देख रहे हैं? क्या ये इसका संबंध कहीं आने वाले चुनावों से है कि वाकई जो एयरपोर्ट का नामांतरण है उस आंदोलन को जगाने की फिर से तैयारी है? देखिए, अगर आप भारतीय लोकतंत्र में अगर आप देखना चाहेंगे ना, तो अक्सर आप देखेंगे कि पार्टियां जो 5 साल उनको जो काम करना चाहिए था वो करती नहीं है, और करने के नहीं होने के चलते क्या होता है, जनता में एक निराशा रहती है, जनता में एक उनके प्रति एक विरोध की भावना रहती है, तो उसको ढकने के लिए या उसको छिपाने के लिए ये इन चुनाव के वक्त ये बड़े बड़े घोषणे, बड़े बड़े घोषणाबाजी या कोई ऐसा एक बड़ा आंदोलन लेकर के आ जाते हैं जिससे जनता का ध्यान एक बार फिर से वो अपने ओर आकर्षित कर सके। और वही चीज नवी मुंबई में भी चल रहा है। अगर आप देखने जाएंगे तो नवी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव पहले होना था, तो वैसे समय में जैसे ही शिवसेना के बाला साहब ठाकरे के नाम पर एयरपोर्ट का नाम का घोषणा सिडको की तरफ से किया गया, वैसे ही एक राजनीति शुरू हो गई कि क्यों ना दिवा पाटिल साहब का नाम सामने ला कर कर करके और एक गांव वालों को एकत्रित करने का, एक समूह में बांधने का, प्रकल्पग्रस्त जो है नवी मुंबई के उनको एकजुट करने का एक प्रयास चल पड़ा। और फिर तुरंत उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही पनवेल महानगर पालिका का भी चुनाव 2022 में होना था, तो ये दोनों तरफ के जो प्रकल्पग्रस्त नेता थे उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए इसको हवा दिया। हवा देने के बाद आप देख सकते हैं कि मतलब अच्छा बड़ा आंदोलन खड़ा भी हुआ, क्योंकि केवल हवा नहीं दिया गया, इसके विज्ञापन पर बहुत पैसे खर्च किए गए, इसकी तैयारी पर बहुत पैसे खर्च किए गए, और उसका पूरा क्रेडिट जो है एक खास पार्टी के द्वारा लेने का प्रयास किया गया कि वही पार्टी इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव है। नहीं, बीजेपी, आप खुले तौर पे कहिए, क्योंकि बीजेपी ने इसको लीड किया एक तरह से। जो ऐसा आपने बोला एकदम बिल्कुल सही बोला कि आप ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी नेता इस आंदोलन में सक्रिय थे, आपने देखा होगा कि उसमें ज्यादातर सब बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। मैं इसीलिए कहा, इसीलिए मैं कह रहा हूं उससे जुड़े हुए लोग हैं। और दूसरी चीज ये है कि पनवेल महानगर पालिका में बीजेपी की सत्ता है, और यहाँ पर भी अगर आप अप्रत्यक्ष रूप से माने तो बीजेपी की ही सत्ता थी, क्योंकि गणेश नाइक अभी बीजेपी में है, तो इसको आप ये मान सकते हैं कि बीजेपी की ही सत्ता थी, तो इनको तो अपनी सत्ता बचानी है पनवेल में भी और नवी मुंबई में भी, तो इनके लिए एक बहुत बड़ा मार्ग दीवा पाटिल के रूप में प्रकल्पग्रस्त होते हैं, और प्रकल्पग्रस्तों का जो वोट होता है वो सामान्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में वोट कास्टिंग होती है, तो जब वोट कास्टिंग उनकी ज्यादा होती है तो उस पर सबकी नजर रहती है, और वो नजर को साधने में ये मुझे ऐसा लगता है कि दिवा पाटिल साहब के नाम को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम को लेकर के जो चल रहा है ये मेरी नजर में पूरी तरह से एक राजनीतिक ड्रामेबाजी है, और इससे ज्यादा मैं इसको कुछ और नहीं मानता। खैर, अगर ये आंदोलन चल रहा है तो जिस तरह से उसके नेता भी हाल ही में एक दिन पहले भूमिपुत्रों का मेलावा हुआ उसमें उन्होंने खुले तौर पर कहा कि खुद से उन्होंने मंच से कहा कि सर्वपक्षीय आंदोलन में एनसीपी और कांग्रेस के नेता दूर हो गए हैं, एक सत्तारूढ़ पक्ष हो गया, दूसरा विपक्ष हो गया, और विपक्ष इसको लीड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक चीज नजर आ रही है। देखिए क्या है ना कि अभी सत्ता जो है वो महाविकास अघाड़ी की है, तो महाविकास अघाड़ी की सत्ता होने के नाते बीजेपी को यह डर है कि कहीं नवी मुंबई महानगर पालिका और पनवेल महानगर पालिका में ये कुछ चमत्कार न कर जाए, और ये चमत्कार से उनको बहुत बड़ा डर है बीजेपी को। अच्छा। तो बीजेपी इस चमत्कार को किसी भी तरीके से होने नहीं देना चाहती, और उसको यह पता है कि अगर प्रकल्पग्रस्तों को उसने अपने फेवर में कर लिया तो ये चमत्कार कर पाने में महाविकास अघाड़ी को सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा उनको विश्वास है, और उसी को वो एक हवा दे रहे हैं। अभी आपको मैं बताऊं कि अगर आप इसकी बात करने जाएं, मैंने क्यों राजनीतिक ड्रामेबाजी कहा, अगर आप इतिहास में जाएंगे तो जिस दिवा पाटिल साहब को आराध्य देवत बोल रहे हैं आज जो लोग, वही आराध्य देवत को हराने का काम उन्हीं लोगों ने किया था। उन्हीं दिवा पाटिल साहब के, मुझे जो जानकारी है हासिल है, उनकी गाड़ी तक को खींच करके लाने वाले यही लोग थे। तो आप मेरे को बताओ कि अगर आप आराध्य देवत बोलते हैं तो आराध्य देवत का मीनिंग क्या होता है, जिसके प्रति आप जिंदगी में कभी भी किसी भी स्थिति में आप उसके विरोध में ना जाएं,
वो आराध्य देवत कहलाता है आपका, और आप उसको तो हराने का काम किए हैं और उसके बाद आज आप उनको आराध्य देवत बोल रहे हो। लेकिन वो तो कहते हैं कि ये तो राजनीति में होते रहता है, जब सामने सामने प्रतिद्वंदी खड़े हो जाते हैं तो फिर ये तो संघर्ष होना ही होना है। नहीं, मैं मानता हूँ राजनीति में आप निश्चित तौर पर आप अपोजिशन में है, आप उनके खिलाफ लड़िए, लेकिन आप फिर आराध्य देवत मत बोलिए ना। आराध्य देवत के खिलाफ न तो कोई चुनाव लड़ेगा और न तो उनका विरोध करेगा, सर्वमान्यता, वो सर्वसम्मान्य तरीके से उनको मानेगा। तो आज आप जिस दीपा पाटिल साहब का नाम लेकर के आप आंदोलन बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कुछ नहीं है। इसी एयरपोर्ट का जब 3,000 करोड़ का काम किसी को मिल रहा था तब उस वक्त सब खामोश थे। ये इसी एयरपोर्ट में किसी के हर प्रकल्पग्रस्त के बड़े नेताओं को अगर आप देखने जाइएगा तो ये सारे बड़े नेता जो हैं ये प्रकल्पग्रस्तों का नाम लेकर करके इन्होंने जिस तरीके से प्रकल्पग्रस्तों के साथ चीट किया है और अपने आप को बड़ा किया है, जब आप इन सारी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो आपको यह लगेगा कि इन सारे नेताओं को दीपा पाटिल साहब का नाम लेने का अधिकार नहीं है, नाम लेने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि दीपा पाटिल साहब निस्वार्थ भाव से प्रकल्पग्रस्तों के लिए लड़ा करते थे, अगर उनकी शहादत भी होती तो वो देने को तैयार दिखाई देते थे, लेकिन इन लोगों के मन में छल है, कपट है। ये प्रकल्पग्रस्तों का नाम लेकर करके ये इन्होंने अपना उल्लू सीधा किया है और इसके मैं अनेक उदाहरण आपको दे सकता हूँ। आप जैसा कह रहे हैं ऐसा मैं तो इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इन्हीं प्रकल्पग्रस्त नेताओं ने सिडको के जरिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चालू कराया, बहुत सारा स्किल डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो आखिर इनका तो जो कोशिश है ये कह रहे हैं और कुछ हद तक कुछ कई जगह पर कोशिश ये दिख भी रही है कि प्रकल्पग्रस्त जो बच्चे हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट का काम चलेगा तो आने वाले समय में उनको नौकरियां मिलेगी, ये इनका प्रयास है और इनका कथन है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो सारी चीज़ें हैं कि एकदम से वो भड़का रहे हैं या उनका उनका उनको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, उनको गुंडागर्दी सिखा रहे हैं, ये ऐसा कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? देखिए, मैं आपको इसका एक छोटा छोटा उदाहरण देता हूँ। अभी आप समझो, आज भी इस नवी मुंबई के कम से कम 10-12% प्रकल्पग्रस्त ऐसे हैं जो 100 मीटर का जमीन जिनको लेना है और उनको पिछले 20 सालों से 18 सालों से 13 सालों से उनके जमीन का फैसला नहीं हुआ। उनके जमीन आज भी लटके पड़े हैं सिडको में, घस घस करके वो मर गए, लेकिन उनका फैसला नहीं हुआ। और वहीं इन नेताओं को अगर आप देखने जाइएगा तो इनके ट्रस्ट को, इनके बाकी के चीजों को फटाफट एकड़ का एकड़ जमीन अलॉट हो जाता है इसी सिडको से। उस वक्त कोई क्यों नहीं कहता कि भैया तुम कुछ कैसे 10-10 एकड़, 5-5 एकड़, 4-4 एकड़ जमीन तुम्हारे ट्रस्ट को, तुम्हारे पारिवारिक संस्थान को मिल जा रहा है और प्रकल्पग्रस्तों को 100 मीटर का जमीन नहीं मिल रहा। दूसरी बात आपको मैं बताऊं, 2017 में एक लैंड जबरदस्ती अक्वायर कराया जाता है गवर्नमेंट से और 2019 में उसके अगेंस्ट में 370 प्लॉट बिना किसी हरे फिटकरी के अलॉट कर दिए जाते हैं। और आप मेरे को बताइए, एक आदमी 2017 में अपने प्लॉट को जबरदस्ती एक्विजिशन में डलवाता है और उसके बाद 2 साल के अंदर ही उसका पूरा भरपाई ले लेता है और उसके बारे में कहीं कोई ये जांच नहीं की जाती कि भैया इसने कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है कि नहीं, जो जमीन इसने दिया है वो पूरी तरह से भार मुक्त है कि नहीं, उसमें कहीं पर किसी का अतिक्रमण तो नहीं है, ये कोई जाँच नहीं की जाती और 370 प्लॉट एक व्यक्ति को अलॉट कर दिया जाता है। आप मेरे को बताइए कि आज एक छोटा सा प्रकल्पग्रस्त जाता है तो उसके पूरे खानदान का सर्वे करते हैं लोग कि भैया इसने इसके किसी खानदान से कहीं पर कोई छोटा सा इलीगल कंस्ट्रक्शन तो इसने नहीं किया है, वो कितने की फाइल इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर दबा करके रखी गई है, अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। चलिए, मैं मेन विषय पे मैं लाना चाहता हूँ आपको कि जो एयरपोर्ट का काम अभी फिलहाल तो चल रहा है, 24 जून को महाआंदोलन हुआ और उस वक्त ये घोषणा की गई थी कि राज्य सरकार ने इसके नाम पर घोषणा नहीं की, कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो 16 अगस्त से काम बंद आंदोलन होगा। इस बीच में ना तो राज्य सरकार ने कोई नामकरण का निर्णय लिया, ना केंद्र सरकार से कोई विशेष कोई सूचना आई, फिर भी आंदोलन स्थगित हो गया। इसके पीछे क्या कारण था और क्या इस तरह आंदोलन बंद कर देने से अब जो वो मांग थी वो मांग पूरी हो सकती है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इस आंदोलन को जो लोग लीड कर रहे थे उसमें महेश वाल्दी और रामसेठ ठाकुर साहब के परिवार का नाम विशेष रूप से शामिल था। इसमें गणेश नाइक, मंदाताई,
पर्दे के पीछे से थी, वो बहुत ज्यादा फ्रंट पे नहीं थे, फ्रंट पुल पे नहीं थे। इसमें जो दो लोग मेन थे उसमें रामसेठ ठाकुर का परिवार था और महेश वाल्दे थे। अभी आप समझो कि आपको भी पता है, हमको भी पता है, पूरी दुनिया जानती है कि जैसे ही इन लोगों ने 16 अगस्त से कामबंद आंदोलन का निर्णय लिया था, उसके बाद केंद्र सरकार के किसी मंत्री द्वारा इनको बुलाया गया दिल्ली में। दिल्ली में बुलाने के बाद इनको जो झाड़ लगाई गई या जो इनको डांट डपट की गई, उसके बाद से इनको मजबूरी थी, इनको आंदोलन स्थगित करना पड़ा। अच्छा। और आंदोलन स्थगित हुआ। और आपको पता है, आप कह रहे हैं कि डांट लगाई गई, वो बोलते हैं कि आश्वासन दिया गया। देखिए अभी क्या है कि अगर आश्वासन दिया गया तो कुछ तो आपको पॉजिटिव पटल पे दिखना चाहिए था ना। हाँ। या तो रिटर्न एश्योरेंस गवर्नमेंट देती, या तो फिर राज्य सरकार के पास जो सिडको ने नाम के लिए भेजा है वो विड्रॉ करता सिडको कि हाँ भाई बाला साहब का नाम हम विड्रॉ कर रहे हैं। ये सब तो कुछ हुआ नहीं, तो ऐसे में आश्वासन तो मैं इसको मान नहीं सकता। इनको डांट इसलिए लगाई गई क्योंकि अब यह इस एयरपोर्ट का जो काम है या जो मालकियत है वो अदानी समूह के पास है। और आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि अदानी समूह और केंद्र सरकार के रिश्ते कितने मधुर और कितने मजबूत हैं। तो वैसी स्थिति में अदानी समूह को डिस्टर्ब करना कर पाना किसी भी बीजेपी नेता के लिए यह संभव नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि विष्णुदास भावे में भी जब रामसेठ ठाकुर अपना बयान दे रहे थे तो वो कितना संभल करके बयान दे रहे थे। उनके बयान में कोई एग्रेसिवनेस नहीं था, वो एक तरह से याचिका वाली बयान थी। तो आपने देखा जो पहले जो एग्रेसिवनेस दिख रहा था, उस एग्रेसिवनेस में पूरी तरीके से कमी आ गई है। अच्छा। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि बाला साहब और दीपा पाटिल साहब, इन दोनों के नामों का अगर आप तुलना करेंगे तो आप एक चीज समझिए, नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट बन रहा है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह करके हम और आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वैसे स्थिति में दीपा पाटिल साहब एक रीजनल लेवल पर, मतलब कि एक क्षेत्र विशेष के लिए वो एक बहुत बड़े मसीहा थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रकल्पग्रस्तों के लिविंग स्टैंडर्ड में जो आज आप परिवर्तन देख रहे हैं, वो दीपा पाटिल साहब पूरा दीपा पाटिल साहब की देन है। और जो भी नेता आज आपको प्रकल्पग्रस्तों के आज 500 करोड़ 1,000 करोड़ के जो मालिक दिखाई दे रहे हैं, ये उसके कारण से ये लोग आगे बढ़े हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप पूरे महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, जब आप देश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, जब आप अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो आपको यह मालूम चलेगा कि बाला साहब का नाम उस परिप्रेक्ष्य में दीपा पाटिल साहब से बहुत बड़ा है। वैसी स्थिति में अगर आप बाला साहब का नाम कैंसिल कर करके और दीपा पाटिल साहब का नाम देने की कोशिश किसी भी प्रोजेक्ट में करेंगे तो थोड़ा सा मेरी नज़र में ये एक बेमानी आंदोलन है। मैं कहता हूँ नवी मुंबई में बहुत ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको दीपा पाटिल साहब का नाम दिया जा सकता है, और वो भी प्रोजेक्ट कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं है। और मैं मानता हूँ कि उन आदमी के नाम पर बहुत बड़े बड़े कुछ प्रोजेक्ट होने चाहिए। जितने भी, मैं तो कहता हूँ जितने भी यहाँ बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज बने थे, उसमें दीपा पाटिल साहब का नाम अगर पहले से ही दे दिया गया होता था तो शायद आज यह विषय भी नहीं रहता। आपने जिक्र किया रामसेठ ठाकुर बहुत संभल के बोल रहे थे विष्णुदास भावे भूमिपुत्र मेलावा में। मैं चाहता हूँ कि हम अब दर्शकों को, जब हमने इस बारे में सवाल पूछा था उनसे कि आखिर 16 अगस्त का आंदोलन आपने क्यों रोक दिया और प्रकल्पग्रस्त आखिर कैसे भरोसा कराएं कि दीपा पाटिल एयरपोर्ट जो सर्वपक्षीय कृति समिति है उसके ऊपर भरोसा कैसे प्रकल्पग्रस्त करा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, मैं चाहूंगा कि दर्शकों को हम एक बार सुना दें और उसके बाद फिर से हम मंथन का जो विषय है इसको आगे बढ़ाते हैं। ये आंदोलन जो है वो संत नहीं हुआ था, वापस जागने की सवाल ही नहीं आता। कार्यकर्ता और प्रकल्पग्रस्त और ये सब लोग जो है ये वही मूड में है जो पहले मूड में थे। एक बात हो गया कि जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि आप लोगों का मान रखा जाएगा, भूमिपुत्रों का मान रखा जाएगा, इसके लिए हमारे पास अभी तक ये सवाल आया ही नहीं। स्टेट गवर्नमेंट से जो कुछ ठहराव आएगा उसके बाद में हमको सोचना है, लेकिन वो मेथड ऐसा है कि जब विमानतल का काम पूरा हो जाएगा एयरपोर्ट का, तब उसका नामदेव का सवाल आएगा। इसके लिए थोड़ा हम लोगों ने बोला कि भाई एयरपोर्ट का काम अभी चल रहा है तो चलने दो। इसके लिए काम बंद आंदोलन जो हमको करना था 16 अगस्त से वो हमने रोक लिया। लेकिन उसके दूसरा एक रीज़न है, क्योंकि वही टाइम सिडकोन जो ठहराव किया था, हम लोगों ने डिमांड किया, अपने माजी खासदार अपने संजीव नायक जो गए उधर, खुद उन्होंने जाके इधर दे दिया, हमारे कमेटी गई और दिया कि विखंडित करो और दीपा पाटिल साहब का नाम करो। ये उधर जाने के बाद में उसके ऊपर ना भी नहीं बोला, हाँ भी नहीं बोला, हाँ बोलना चाहिए उन्होंने। और उसके लिए हम जो सेकंड फेज जो शुरू हो रहा है ना, तो उसके लिए हम फोर्स करेंगे। अभी जो उन्होंने विखंडित करने का काम किया नहीं,
और आगे जाके मतलब दीपावली के नाम का बारे में कुछ सोचा नहीं। तो अभी ऐसा है बात कि एयरपोर्ट के इसके लिए टाइम है, गवर्नमेंट में बाला साहब ठाकरे का नाम आगे भेजा नहीं, तब तक के लिए हमको ज़्यादा जल्दी नहीं है। लेकिन ऐसा अगर करने को जाएंगे वापस, अगर वही नाम आगे ढकलना चाहेंगे, तो हम लोग बहुत ज़ोर से और बड़ी संख्या में एक साथ हो जाएंगे और शांततापूर्ण, लेकिन गवर्नमेंट का कौन सा भी अत्याचार को बिना रुके हम आगे जाएंगे और दीपा पटेल का नाम या लेके रखेंगे। तो मिश्रा जी, आपने ये सुन लिया कि उन्होंने क्या बोला, अब आपको कितनी उम्मीद लग रही, जब नए सिरे से नया आंदोलन की शुरुआत हो रही, तो क्या उस मुद्दे को, उस मांग को बल देने के लिए आंदोलन ये सफल होगा? देखिए, जो लोग केंद्र सरकार को जानते हैं, वर्तमान केंद्र सरकार को, उनको खूब अच्छी तरह पता है कि ये वर्तमान केंद्र सरकार जो है वो रिक्वेस्ट करने वाली सरकार नहीं है, वो दबाव डाल करके आपको रोक देने वाली सरकार है। अभी के समय में जो वर्तमान केंद्र सरकार है, वैसी स्थिति में इनसे कोई रिक्वेस्ट किया गया होगा ये तो मैं मानता नहीं। अच्छा। इनको डांट जरूर लगी होगी, इसका मुझे विश्वास है कि इनको डांट लगी होगी। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार को भी केंद्र सरकार नहीं बोल पाएगी। क्यों नहीं बोल पाएगी? क्योंकि बाला साहब का नाम का बात है। आप एक चीज समझो, पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी को राजनीति करनी है, बिल्कुल पूरे महाराष्ट्र में, तो वैसे में बाला साहब के नाम को कहीं भी छोटा करना ये बीजेपी के लिए आने वाले समय में बहुत भारी पड़ सकता है। अच्छा। इसलिए बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो निश्चित तौर पे बाला साहब को छोटा करने का प्रयास नहीं करेगी, क्योंकि बाला साहब के साथ जो संबंध बीजेपी के बड़े से बड़े दिग्गज नेताओं के रहे हैं, या जो आरएसएस का भी एक सॉफ्ट कॉर्नर बाला साहब के साथ जुड़ा हुआ है, उसको आप डिनाई कर दोगे या उसको आप डैमेज कर दोगे, ये मुझे मुश्किल दिखाई देता है। और शायद बाला साहब और दिवा पाटिल साहब के नाम का जहां कहीं भी बात आएगा, वहां बीजेपी निश्चित तौर पर बाला साहब के साथ खड़ी नजर आएगी। तो आपको इसका मतलब लगता है इसीलिए शायद शिवसेना के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी बाला साहब ठाकरे के खिलाफ नहीं जा सकती? नहीं, देखिए एक बात मेरे को बताओ, महाराष्ट्र के स्तर पर क्या कोई इस बात को भूल सकता है कि शिवसेना का जो योगदान है मराठी मानुष को जगाने का, इसमें तो कोई भूल नहीं सकता है कि शिवसेना का योगदान बहुत अहम है। आज आप देखिए, आज महाराष्ट्र नव निर्माण सेना इसी से छूट करके आई है, मतलब अलग होकर के आई है। आज तो ये चीज कब संभव हुआ? जब बाला साहब आए तब ना संभव हुआ। तो बाला साहब ने जो मराठी कल्याण के लिए या मराठी मानुष के लिए जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष की तुलना तो निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता कि पूरे महाराष्ट्र में आजादी के बाद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने मराठी मानुष के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया होगा। इसमें एक बात और जो आई है कि अभी उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने पितृ मोह में इस नाम को आगे बढ़ा दिया है, जबकि उनको ये पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ना कि वो सिर्फ बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं। तो ऐसे में जो प्रकल्पग्रस्त और उसके जो संगठन हैं, उनके नेताओं का ये कहना है कि उद्धव साहब ठाकरे को स्वयं से ये निर्णय लेना चाहिए कि ठीक है, ये इस पे दीपा पाटिल साहब का नाम दे दिया जाना चाहिए, और बाला साहब ठाकरे के लिए तो पूरा महाराष्ट्र अभी बाकी पड़ा हुआ है। देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, पितृमोह मुझे नहीं लगता कि इसको आप पितृमोह से जोड़ करके देख सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि बाला साहब का नाम आजाद भारत में महाराष्ट्र के लिए, मैं विशेषकर महाराष्ट्र से बोलता हूँ, आजाद भारत में महाराष्ट्र के लिए बाबा साहब अंबेडकर वगैरह जिस प्रकार संविधान को लेकर के पूजे जाते हैं, वैसे मराठी मानुष के संघर्ष की जब बात आएगी तो बाला साहब के नाम को कोई इनकार नहीं कर पाएगा। आप मेरे को बताओ, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम है, तो शिवाजी तो 250-300-500 साल पहले का ये हिस्ट्री मान लो रहता है, तो उनके बारे में आदमी इतना आदर रखता है, तो ये तो अभी वर्तमान में इन्होंने मराठी मानुष के लिए किया है। अच्छा, जब ये भूमिपुत्र मेलावा हुआ था, तो जब मीडिया बाहर निकल रही थी, तो कुछ प्रकल्पग्रस्त जो लोकल लीडर हैं, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि भाई सब ठीक है, ये सब नामकरण हो जाएगा, लेकिन इस नामकरण के दीपा पाटिल साहब का नामकरण होने से क्या हमको नौकरी मिल जाएगी, क्या हमारे बच्चों का कल्याण हो जाएगा, क्या आखिर हमारे नेता उस बारे में गंभीरता से क्यों नहीं सोच रहे हैं कि सिडको में नौकरियां खाली हैं, MIDC में नौकरियां खाली हैं, महानगर पालिका में नौकरियां खाली हैं, तो दीपा पाटिल साहब का नाम तो लगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या
ये सिर्फ नाम लगाने से प्रकल्पग्रस्तों का भला हो जाएगा क्या? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये हर क्षेत्र में, मतलब मैं नेशनल लेवल से लेके स्टेट लेवल से लेके ये नवी मुंबई के लेवल पर भी बोल रहा हूँ कि नेता आजकल क्या कर रहे हैं, नेता आपके मूल समस्याओं के प्रति उनका आकर्षण नहीं है, उनका आकर्षण कहाँ है, बड़े बड़े टेंडर के प्रति और अननेसेसरी बिना काम किए हुए जिसमें उनको नाम मिल जाता है, वो उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आपकी समस्याओं पर उनका फोकस नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रकल्पग्रस्त सामान्य प्रकल्पग्रस्त हैं, जब आप उनकी स्थिति देखेंगे, उनके बारे में जानना चाहेंगे, आप मेरे को बताओ, मैं दो तीन उदाहरण देता हूँ। प्रकल्पग्रस्त शैक्षणिक संस्था जो पीछे कई वर्षों से काम कर रही थी और उन लोगों ने अपना एक संस्था बना रखा था, प्रकल्पग्रस्त नेता उसके मुखिया और सर्वे सर्वा हुआ करते हैं, उनको जो प्लॉट अलॉट किया गया सिडको की तरफ से, ठीक है ना, कि प्रकल्पग्रस्त शैक्षणिक संस्था को एकदम फ्री में नहीं, एक रुपए के लीज पर दिया गया, आपको मालूम है, वो इसलिए दिया गया कि आप प्रकल्पग्रस्तों के शिक्षण को मजबूत करेंगे, उनको आप अच्छी शिक्षण व्यवस्था देंगे। लेकिन हुआ क्या, ये लोग प्लॉट लेते वक्त तो प्रकल्पग्रस्त शिक्षण संस्था बने रहे और उसके बाद इन लोगों ने देश के बड़े बड़े जो एजुकेशनल माफिया हैं उनको ये प्लॉट किराए पे दे दिया और आज उन सारी जगहों पर वो बड़े बड़े स्कूल स्थापित हो गए, कोई प्रकल्पग्रस्त शिक्षण संस्था वहां नहीं चल रही है। अच्छा। दूसरी बात आ गई हॉस्पिटल की, नौकरी की, इन सब जगहों पर अगर आप देखने जाइए तो आप मेरे को बताइए, क्या कभी किसी प्रकल्पग्रस्त नेता को आपने देखा कि रिलायंस के आगे खड़ा होकर के वो ये कहें कि भैया यहाँ पर प्रकल्पग्रस्तों के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, किसी बड़े इंडस्ट्री के सामने उनको आपने प्रदर्शन करते देखा जहाँ वो ये कहें कि भैया यहाँ सबसे पहली प्राथमिकता आपको प्रकल्पग्रस्तों को नौकरी देने की है, आपने देखा? क्यों? क्योंकि वहां पर से उनको जो मलाई लेनी है वो उनको मिल रही है, वो मलाई वो काटना नहीं चाहते, वो मलाई को छोड़ना नहीं चाहते, वो मलाई उनको हासिल हो रही है, इसलिए उससे उनको प्रकल्पग्रस्तों को दूर रखे हैं। वैसे ही हॉस्पिटलाइजेशन में देखने जाओ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में देखने जाओ, आप बताओ ना कितने प्रकल्पग्रस्तों के बच्चों को आप स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितने प्रकल्पग्रस्तों के बच्चों को आप मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, कहीं आपको ऐसी कोई बातें दिखाई नहीं देंगी, जबकि सारी कुछ चीजें आपने प्रकल्पग्रस्तों के नाम पर कर रखी हैं। तो वैसी स्थिति में प्रकल्पग्रस्तों का अगर आपसे बातचीत में उन्होंने ये अपनी ये व्यथा कही है तो मुझे लगता है कि ये उनकी बिल्कुल सही व्यथा है। मैं तो बोलता हूँ सबसे छोटी सी बात कि जो प्लॉट उनको अलॉट होने हैं, अरे साहब आज आप समझो 70 में सिडको यहाँ आई, आज 50 साल 51 साल हो गए, आप उनको उनका मुआवजे का हक नहीं दिला सके? आपने आपने इतनी बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर ली और सामान्य प्रकल्पग्रस्तों को अभी तक उनका मुआवजा का हक नहीं मिला, तो आप इसी से समझ सकते हैं। मैं तो एक बात जरूर जानता हूं कि जितने भी प्रकल्पग्रस्त नेता अभी तक नवी मुंबई में मुझे दिखाई दिए हैं, इन्होंने अपना उल्लू ज्यादा सीधा किया है और प्रकल्पग्रस्तों के लिए बहुत ही निम्न पैमाने पर सोचा है, और यही कारण है कि आज बहुत सारे सामान्य प्रकल्पग्रस्त जो हैं वो आज भी शायद उसी जिंदगी को जीने को मजबूर हैं जो वो 50 साल पहले जिया करते थे। आपने एक जिक्र किया कि अभी जो प्रकल्पग्रस्त हैं उनके उनको लेकर गंभीर नहीं है, उसी मंच से MIDC का मुद्दा उठाया गया, उसी मंच से प्रकल्पग्रस्तों के गौठानों में बने घरों का मुद्दा उठाया जो उस दिन तोड़ा जा रहा था जिस दिन ये भूमिपुत्रों का मेलावा चल रहा था, उस दिन भी घनसौली और अहरौली रबाले क्षेत्र में प्रकल्पग्रस्तों द्वारा बनाए गए घर जो थे वो तोड़े जा रहे थे, उसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं थोड़े। अब सवाल ये है कि अब भूमिपुत्र मेलावा हो गया और इसमें फिर से एक जगाने की कोशिश की जा रही है, एक भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि जो आंदोलन था वो बंद नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन फिर चलेगा, फिर नामकरण के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे और हमारा साथ दीजिए, और इसके लिए जो बड़ी तारीख चुनी गई है 13 जनवरी को दीबा पाटिल साहब की जयंती, अब क्या उम्मीद करें हम? देखिए, दीबा पाटिल साहब जब तक नेतृत्व किए हैं प्रकल्पग्रस्तों का, मैंने ये देखा है कि उन्होंने जिस मुद्दे को लेकर के लड़ाई लड़ी उस मुद्दे पर वो कामयाब हुए। कामयाब इसलिए हुए क्योंकि वो निस्वार्थ लड़े और प्रकल्पग्रस्त उनमें जान फूंक देते थे, उनमें जान लगा देते थे, तो इसलिए वो सफल होते गए। लेकिन यहाँ निस्वार्थ लड़ाई नहीं है, यहाँ स्वार्थ की लड़ाई है। अदानी समूह आ चुका है तो अब इनका जो टेंडर का जो प्रोसेस था, जो टेंडर चलते थे, इनके दबाव में आकर के टेंडर ले लिया करते थे ये लोग, वो अब मुश्किल है क्योंकि अदानी समूह आ चुका है, बहुत सारी चीजों में अब इनको रोक लगेगी। तो इनको अपना एक प्रभाव दिखाना है कि नहीं, अदानी समूह पर भी
मेरा एक प्रभाव चले और अदानी समूह भी हमको उसी तरीके से अपना टेंडर का पार्ट देता रहे जैसे इनको पहले से पहले जीबी की वगैरह दूसरे देते बस वो वही उनका पूरा खेल है, वो पूरा खेल है। और वो चाहते हैं कि जैसे सिडको पर दबाव बनाने में वह कामयाब हुए वैसे ही अदानी समूह पर भी उनका दबाव कायम रहे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात एक आपने कही जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात, मैं आपको बता दूं मेरे पास सिडको के 1000 से ज्यादा नोटिसेस की कॉपी है, ठीक है ना, उसमें इनके कई बड़े प्रकल्पग्रस्त नेताओं के भी मेरे पास इलीगल कंस्ट्रक्शन के नोटिस की प्रत है मेरे पास। उस नोटिस को अगर आप देखने जाएंगे तो वर्षों पहले की नोटिस है लेकिन उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जो सामान्य प्रकल्पग्रस्त हैं या जो मान लो कि जिनका प्रभाव नहीं है उनके उन प्रकल्पग्रस्तों के ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि भाई अगर आप नेता हो सही माने में तो सबसे पहले सिडको में जाके बोलो कि बुलडोजर चलानी ही है तो सबसे पहले मेरे इलीगल कंस्ट्रक्शन पर चलाओ जिससे कि हमको लगे कि मैं प्रकल्पग्रस्तों का नेता हूं और मैंने पहले अपने घर पे बुलडोजर चलवाया फिर किसी प्रकल्पग्रस्त के घर पे बुलडोजर चला। अदरवाइज आप प्रकल्पग्रस्त के नेता नहीं हो सकते और उनके बारे में आपका निस्वार्थ नहीं है, आप निश्चित तौर पर इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको आप बहका कर करके अपनी उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये मेरा बिल्कुल स्पष्ट आरोप है प्रकल्पग्रस्त के वर्तमान नेताओं पर। लेकिन आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, खुद प्रकल्पग्रस्त नेता कहते हैं कि तो अगर हम छोड़ देंगे तो फिर प्रकल्पग्रस्तों का नेतृत्व तो करेगा कौन, आखिर कैसे उन्हें न्याय मिलेगा, नेता ही तो न्याय दिलाते हैं, ऐसे में फिर प्रकल्पग्रस्त कहां जाएंगे। बहुत बेहतरीन बात वो कह रहे हैं जो कह रहे हैं, तो वो दिवा पाटिल साहब से सबक तो लें। दिवा पाटिल साहब ने इतना बड़ा नेतृत्व खड़ा किया, उन्होंने अपने नाम पर क्या किया, जरा पूछ को तो देखें उनसे, और ये प्रकल्प नेता जवाब तो दें कि दिवा पाटिल साहब ने अपने नाम पे क्या हासिल किया, वो सांसद रहे, वो विधायक रहे, वो क्या नहीं हासिल कर सकते थे। जो आदमी प्रकल्पग्रस्तों को इतना कुछ दिला सकता था क्या वो अपने फेवर में कुछ नहीं ले सकता था। आज तक उसने अपना किसी ट्रस्ट के नाम पर 1 रुपए का जमीन लिया सिडको से, तो आप जरा सा दिवा पाटिल साहब का उदाहरण पेश करके तो देखिए। उनका घर भी चंदा से बनाया गया, मैं वही बोल रहा हूँ। अरे जब उनकी गाड़ी खींच ली गई है इसका मतलब उस व्यक्ति के पास अपनी गाड़ी नहीं थी, तो आप उसी से अंदाजा कर लीजिए ना। तो जरा एक बार दिवा पाटिल साहब बन के देखो, फिर किसी आंदोलन को कहने की जरूरत नहीं, वो अपने आप खड़ी हो जाएगी। ये आप जो दिखावा कर रहे हो, आप एक बार कभी अपने गिरेबान में झांक के देख लो और पूछ लो कि क्या दिवा पाटिल साहब का नाम लेने का हक आपको है, और अगर आपको लगता है कि हक है तब फिर आंदोलन में आओ, नहीं तो अपनी आत्मा से स्वयं इसका प्रश्न पूछो और जवाब दो। आपको लगता है कि न्याय पाने का दूसरा और क्या रास्ता हो सकता है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम वर्ग में ज्यादातर लोगों को अशिक्षित रखा गया है और कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अब राष्ट्र के बारे में सोचने लगे हैं। अच्छा। और राष्ट्र के बारे में उनकी सोच बहुत व्यापक हो गई है, जैसे अब्दुल कलाम वगैरह का नाम आप जान सकते हैं। तो उन लोगों का जो लोग इंटेलेक्चुअल हो गए, जिन लोगों को शिक्षा अच्छी मिल गई, जिन लोगों ने संविधान को समझ लिया, भारत के पैटर्न को समझ लिया, वो अब देश के साथ जुड़ने लगे और देश की राष्ट्रीयता में उनकी सहभागिता बढ़ने लगी। लेकिन अभी भी मुस्लिम वर्ग का एक बड़ा वर्ग है जिसको बहकाया जा रहा है, जिसको कहीं ना कहीं आप समझो कि उसके द्वारा देश को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, और उसमें मुस्लिम वर्ग का एक बड़ा पार्ट उसको समर्थन करता दिखाई दे जाता है। वही हाल प्रकल्पग्रस्तों का भी है। प्रकल्पग्रस्तों में कुछ चंद लोग हैं जो अच्छे सीख गए हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई भी अच्छी कर ली है, जिनको ज्ञान भी बहुत अच्छा हो गया, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, उस सोच के लोग बहुत कम है। और जो पढ़े लिखे हैं वो भीड़ जुटाने में तो वो सक्सेस नहीं होते, क्योंकि उन्होंने तो अपनी पढ़ाई में पूरा दिन बिताया है, अपनी पढ़ाई को किया है, उसको आधार पर उन्होंने बाकी काम की है, अपना नौकरी के तलाश में हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो वो उस तरीके से तो भीड़ जुटा नहीं सकते। लेकिन जो कुटिल हैं वो पूरा षड्यंत्र करके रखते हैं कि हमको कैसे 100 लड़के वहां से मैनेज करने हैं, 100 वहां से मैनेज करने हैं, 100 वहां से मैनेज करने हैं, और उसी को वो आंदोलन का रूप दिलाने में सफल हो जाते हैं। और पैसा इनके पास इतना अफलातून है कि ये जो चाहे कर सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, कपिल पाटिल जी ने एक आश्वासन दिया था जब टीवी वन इंडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तब उन्होंने कहा था कि हमारी पूरी कोशिश है कि एयरपोर्ट आंदोलन खत्म हो और इसमें नाम जो है दिवा पाटिल साहब का दिया जाए, कि क्या ये आंदोलन वाकई दिवा पाटिल साहब का नाम वहाँ एयरपोर्ट पर दिलाकर उनको सम्मान दिला पाएगा, जैसा कि कहा जा रहा है कि दिवा पाटिल हमारे अस्तित्व की पहचान है, हमारे अस्मिता की पहचान है, या ये सिर्फ एक कहानी है, एक अफसाना है, और ये अफसाना भी एक दिन खत्म हो जाएगा और नाम बाला साहब ठाकरे का रहेगा। देखिए आपके पिछले प्रश्न में मैं कपिल पाटिल साहब का नाम लेना भूल गया था, क्योंकि मुझे याद है आपने वो इंटरव्यू किया था। हाँ। कपिल साहब का
तो कपिल पाटिल साहब भी जो बोल रहे हैं, अगर आप कपिल पाटिल साहब के भी पूरे बायोग्राफी को निकालेंगे तो उनका भी आज जब आप कद देखेंगे पैसे कौड़ी के मामले में या बाकी चीजों के मामले में, तो आज कपिल पाटिल का स्थान भी बहुत, वो दूसरे रामसेठ ठाकुर हैं भिवंडी साइड, ठीक है ना, तो वो उस लेवल पर हैं। मेरा खाली सामान्य प्रकल्पग्रस्तों से इतना ही कहना है कि आपके मन में जो बातें हैं वो निश्चित तौर पे अच्छी बातें हैं कि दीपा पाटिल साहब को एक बड़ा सम्मान मिलना चाहिए। तो कृपया करके नवी मुंबई में आपके धरती पर बसा हुआ यह सुंदर सा शहर है, इस सुंदर से शहर में कोई तरह का डिस्टरबेंस ना पैदा हो, इसका ख्याल रखना आपका सबसे बड़ा जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी तक आप ही लोगों ने, मतलब जो प्रकल्पग्रस्त नेता हैं उन्हीं लोगों ने नवी मुंबई का नेतृत्व किया है, तो अब इनके ऊपर है। लेकिन उन्होंने तो क्लियरली इस बात को कह दिया है कि दीपा पाटिल साहब के सिवा दूसरा कोई भी नाम मंजूर ही नहीं है। ऐसी सूरत में क्या क्या बचा है फिर अभी? ऐसी सूरत में तो संघर्ष ही बचा है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नवी मुंबई और महाराष्ट्र, ये दोनों के परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र बड़ा है, तो महाराष्ट्र अगर बड़ा है तो मुझे नहीं लगता कि आप, अब कोई कहे कि नहीं हमको नवी मुंबई महाराष्ट्र से अलग चाहिए, तो क्या महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाएगा? नहीं संभव है। तो मेरी नज़र में मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाला साहब का नाम कैंसिल करके और कोई नाम दिया जा सकता है, ये मुझे नहीं लगता। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर राज्य सरकार स्वयं से, वो भी उद्धव साहब के नेतृत्व में, किसी दूसरे के नेतृत्व में नहीं, अगर उद्धव साहब के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वयं से यह निर्णय ले ले कि नहीं मुझे ये अंतर्राष्ट्रीय विमानतल बाला साहब के नाम से नहीं करना है, मुझे दीपा पाटिल साहब का नाम देना है, तो फिर हमको लगता है कि बाला साहब का नाम कैंसिल करके दीपा पाटिल साहब का नाम आ सकता है। अदरवाइज कोई ये चाहे कि राज्य सरकार को दबाव में डाल करके हम बाला साहब का नाम कैंसिल करा के दीपा पाटिल साहब का नाम लगा देंगे, तो मुझे लगता है कि न तो इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिलेगी और न राज्य सरकार की मंजूरी मिलेगी। जो प्रकल्पग्रस्त समन्वय समिति है, संघर्ष समिति, वो क्लियरली कह रही है कि भाई दीपा पाटिल रायगढ़ के हैं, और अगर रायगढ़ में प्रकल्पग्रस्तों की धरती पर अगर ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, हम कहीं और जाकर दूसरा नाम कैसे कैसे दें? एक एग्जांपल दिया जा रहा है, एक जुमला इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि मेरे बाप की जगह दूसरे के बाप का नाम कैसे दिया जा सकता है। यानी प्रकल्पग्रस्तों के लिए दीपा पाटिल साहब एक बाप की तरह हैं जो रायगढ़ में रहते हैं, और इसीलिए रायगढ़ के प्रकल्पग्रस्त चाहते हैं कि मेरी ज़मीन पर बनने वाले किसी प्रोजेक्ट का नाम दीपा पाटिल साहब के नाम पर हो, और इसीलिए दूसरा नाम उन्हें मंजूर नहीं। हालांकि इसमें कितनी राजनीति है और कितनी सच्चाई है और ये आंदोलन कहाँ तक चलेगा, ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मिश्रा जी, आपसे आखिरी कोट आपसे लेना चाहते हैं, इसमें उद्धव सरकार की भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या जन भावनाओं को देखते हुए सरकार को स्वयं से ये फैसला कर देना चाहिए उद्धव सरकार? देखिए, ये तो त्याग की बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, जब जब आप जन समूह के दबाव में आकर करके कोई ऐसा निर्णय लेने लगेंगे जिसमें कि किसी बड़े को छोटे करने के बराबर हो, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि मैं आपको जैसे बोलता हूँ, 370 कश्मीर की बात आप कर लीजिए, कश्मीर के लोग बार बार चाहते हैं कि मैंने हिंदुस्तान का रूलिंग उन पर न रहे। हाँ, हाँ। तो वैसी स्थिति में क्या हम कश्मीर को अलग कर देंगे? अगर मान लो आज नवी मुंबई है या बीड है या ये क्या बोलते हैं आपको, विदर्भ है या मराठवाड़ा है, अगर कल ये कहें कि हमको महाराष्ट्र से अलग कर दो, तो क्या इस पर तुरंत अमल कर देना चाहिए? वहाँ के लोगों का डिमांड है इसलिए हमको कर देना चाहिए? हमारी नज़र में ये तोड़फोड़ की राजनीति अच्छी नहीं है। तोड़फोड़ की राजनीति से हमेशा राष्ट्र को, राज्य को, समाज को नुकसान होता है। आदमी को राजनीति ऐसी करनी चाहिए जिसमें जोड़ की राजनीति हो। जोड़ करके कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे जोड़ कर करके, और नामकरण को लेकर के इतना बड़ा विवाद, ये तो मेरे लिए बिल्कुल, मैं कहता हूँ बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाओ ना दीपा पाटिल साहब के नाम पर, दीपा पाटिल साहब की आत्मा को खुशी होगी। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाओ ना दीपा पाटिल साहब के नाम पर, उनको खुशी होगी, बच्चे फ्री में। अरे वो तो प्रकल्पग्रस्तों के मसीहा थे, उन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ी है, एयरपोर्ट पर उतरने वालों की लड़ाई नहीं लड़ी है, तो उनके लिए लड़ना ही है। तो गरीबों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओ, उसका नाम दीपा पाटिल साहब का नाम दो, उनको भी संतोष होगा, उनके परिवार को भी संतोष होगा, और हम लोगों को भी लगेगा कि जो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी उसका परिणाम और उसका सकारात्मक रिजल्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है। मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया, और ये सवाल नहीं थे एक्चुअली। इस कार्यक्रम का नाम हमने मंथन रखा है, और मंथन इसलिए है कि हम खास मुद्दे पर खुले दिल से, पूरी निष्पक्षता के साथ, पक्ष और विपक्ष का ध्यान रखे बिना, जो बात सच्ची है, जो बात जनहित में है और जो सबके लिए हितकारी है, उस बात पर हम चर्चा करते हैं। और हमें उम्मीद है कि
ये जो मंथन है, जिस तरह से हमने मुद्दों पर मंथन किया है, ये आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपका आपका कुछ इस पे विचार है, आप कुछ इस बारे में कहना चाहते हैं, तो आप हमारे इस मंथन कार्यक्रम के नीचे अपने कमेंट दे सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपना ईमेल कर सकते हैं। तो अगली बार हम आपसे जुड़े किसी और ज्वलंत मुद्दे पर फिर करेंगे हम मंथन। तब तक हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।